पति को पाने के लिए धरने पर बैठी महिला, यह मामला झारखंड के गढ़वा से है। अपने पति को पाने के लिए महिला पति के घर के बाहर बैठ गई है। रो रोकर पति के घर में उसके साथ रहने की जिद पर बनी हुई है। लड़की का कहना है कि गढ़वा के भवनाथपुर का रहने वाले लड़के से उसकी मुलाकात बस में हुई। वह उस समय रांची से रामगढ़ जा रही थी। दोनों का एक नजर में प्यार हुआ। प्यार का परवान इस कदर चढ़ा कि दोनों ने शादी भी कर ली। लड़की के अनुसार दोनों की शादी वर्ष 2021 में हुई थी। लड़की ने कहा, मेरे मम्मी पापा घर से निकाल दिए हैं, मेरा इनके अलावा और कोई नहीं है। खबर के बारे में बताया गया कि भवनाथपुर थाना क्षेत्र के बंसानी गांव में एक लड़की पति को पाने के लिए उसके घर जा पहुंची। इंसाफ के लिए लड़की बीते 15 दिन पूर्व भवनाथपुर थाना पहुंची थी। लड़की के अनुसार 8 साल पूर्व रांची से रामगढ़ जाने के क्रम में भवनाथपुर थाना क्षेत्र के बंसानी पंचायत के भवरिया टोला निवासी कामेश्वर यादव का पुत्र आनंद यादव से प्यार हुआ था। दोनों के लंबी रिलेशनशिप में रहने के बाद लड़का आनंद कुमार यादव ने 30 अगस्त 2021 को सासाराम अपने बुआ के घर ले गया और वहां जाकर गुपचुप तरीके से सिंदूर देकर शादी कर लिया। शादी कर दोनों एक साथ 3 माह तक सासाराम में ही बुआ के घर में रह रहे थे। 3 माह बाद दोनों साथ में मायके गए। मायके में मुझे छोड़कर वह अपने घर भवनाथपुर चला गया। 3 माह तक वापस नहीं लौटने के बाद मैं भवनाथपुर थाना शिकायत लेकर पहुंची। थाना के पदाधिकारियों द्वारा लड़का को बुलाया गया। पूछताछ करने के पश्चात शादी को स्वीकार करते हुए मुझे साथ में रखने को तैयार हो गया और मुझे नोएडा ले गया। नोएडा में 4 माह हम दोनों एक साथ रहे। उसके बाद मुझे बोकारो में मायके छोड़कर भवनाथपुर आ गया। सितंबर में जब मैं भवनाथपुर उसके पास आई तो 1 माह भवनाथपुर में रूम पर रेंट लेकर रहा और 10 अक्टूबर रांची में मुझे शिफ्ट कर लड़का आनंद कुमार यादव आने का हवाला देते हुए चला गया। 3 माह तक वापस नहीं आने के बाद मैंने पुनः भवनाथपुर उसे खोजने के लिए आई तो मुझे लड़का बंसनी पंचायत के मुखिया एवं उसके पिता ने लड़का से मिलाया एवं लड़का मेरे साथ मेरे मायके बोकारो चला गया। एक दिन रुकने के बाद काम का बहाना बनाकर मेरा मोबाइल भी साथ लेकर फिर से वहां से चलता बना। लड़की ने कहा कि लड़के के पिता के द्वारा जानबूझकर उसे कहीं छिपाया गया है, जबकि लड़के के पिता कामेश्वर यादव ने कहा कि मुझे अपने लड़के से कोई लेना देना नहीं है, मैं इस शादी के संबंध के पक्ष में नहीं हूँ, यह मेरा घर है और मैं इस घर में दोनों को नहीं रहने दूंगा, दोनों को जहाँ रहना है और जैसे रहना है वहाँ जाकर रहे। यही पे रहना अभी। का है? कहीं गई थी पुलिस से मांगी मदद अपना? सब मदद मांगे लेकिन उन लोग कुछ नहीं किए। 7 दिन पहले आए थे थाना, लेकिन थाना में बोला गया कि जाओ अभी घर, इसके बाद फिर खोजा जाएगा, लेकिन आज तक अभी तक कुछ भी। तो तुमको पहले थाना जाना चाहिए था ना, पता करना चाहिए कि आप क्यों नहीं खोजे या अथी किए है। हमको डाउट हुआ कि वो घर पे है, इसलिए हम डायरेक्ट घर आए। अच्छा, आपको हमें पूरा शक है कि इन लोग ही छुपा के रखे हैं कोई रिलेशन में। ठीक है, लड़की को हम लड़की को कैसे रखेंगे, लड़के का पता नहीं है। बिना हमारे अनुमति के, बिना हमारे राय के, हमारे घर से किसी का कोई सलाह नहीं, और ये दोनों इन लोग अपना कैसे किया है तो इन लोग ना समझेगा। अच्छा, इसमें हमारा क्या, हम तो बोल दिए, बड़ा बाबू से बोल दिए कि इन लोग अपना शादी कर लिया तो अपना जहाँ मन है वहाँ रहे, कमाए खाए, उसे हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम अपना घर में नहीं रहने देंगे। पुलिस को इन्फॉर्म किया है ना आप? हाँ, फोन किया। क्या बोले बड़ा बाबू? बड़ा बाबू बोले कि तुम्हारा लड़का रखा है तो तुम जानो क्या करेगा। अच्छा, गाँव के मुखिया जी भी हुए थे? हाँ, मुखिया जी आए। क्या बोले मुखिया जी? बोले लड़की को कि तुम अपने यहाँ कैसे आ गए। बोले कि हम आ गए। आ गए तो भाई काहे आ गए? लड़का को पता चला तो कि लड़का इन लोग छुपा के रखे हैं, तो हम लोग बोले कि भाई लड़का छुपा के रखे हैं तो गांव घर पूरा है ना, गांव घर से पूछताछ कर लीजिए, गांव कोई तो लोग देखा होगा कि घर में लड़का रहता है कि नहीं रहता है, आया है कि नहीं आया है। सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है CBSE पैटर्न पाठ्यक्रम इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहाँ है हॉस्टल की सुविधा। नामांकन प्रारंभ है क्लास नर्सरी टू 10। हमारा पता है अपोजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रेहला, पलामू।